पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हमारे पूज्य गुरु हांसू जी महाराज इस शहर में पदार्पण कर रहे हैं 23 तारीख से उसी से संबंधित एक कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं। उसमें हम सब कार्यकर्ताओं की ड्यूटी सौंपा है। सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी सौंपी जा रही है, उनको अपने अपने काम बताए जा रहे हैं। 1600 है ना, कोई परेशानी किसी को महसूस हो रही है आपस में बात करके सॉल्व कर रहे हैं। क्या अपील करना चाहिए? अपील करना चाहते हैं कि हमारा मंजू शर्मा जी कल हमारा भूमि पूजन। अरे जरा आशा जी एक मिनट रुक जाइए, हमारे कार्यकर्ता सारे कार्यकाल के लोग उपस्थित होंगे और हम सबका बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे इस कार्यक्रम को सफल। आप पर्ची ले लीजिए। हर्ष हो रहा है कि पूज्य गुरुवार का प्रोग्राम 23-26 मार्च का है, जो सबको विदिति है, उसी की तैयारियों में हम सब लोग लगे हुए हैं। कल दिनांक 15 तारीख को भूमि पूजन होगा पीलीकोठी कथा स्थल हमारा, और उसके बाद जैसा जैसा कि महाराज जी का प्रोग्राम है वो आपस में बैठ के हम सब श्रद्धालु तय कर रहे हैं। और यही कोशिश है कि जितना बड़ा प्रोग्राम है उतनी तैयारी करके इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से बहुत ढंग से करा जाए, जिससे कि उसमें रौनक आए। और सब मैं श्रद्धालुओं से भी निवेदन करूँगा सबको सुनने के लिए लाएँ, खुद भी आए। धन्यवाद। कार्यक्रम जैसा आपको पता है बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हमें भव्य रूप से इसे मनाना है और हमारा प्रयास ये है कहीं कोई कमी ना रहे, सबका पूर्ण रूप से जो स्वागत सम्मान हो, उसी बात को लेकर आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे इस यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया है। सबको अपनी अपनी की ड्यूटी सौंपी जा रही हैं, किसको पंडाल में क्या काम करना है, कैसे हमें महाराज जी के आने के समय सब चीज़ों को देखना है, उस बारे में हम विस्तार चर्चा यहाँ कर रहे हैं। लोग अपनी अपनी ड्यूटी संभाल रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने 12 मार्च से रोज़ सुबह 7:30 से 8:30 शहर के विभिन्न भागों में यहाँ हमारी प्रभात फेरी निकल रही है। कल भी निकली थी, आज भी निकली थी, लगातार ये 20 तारीख तक निकलेगी। लोगों में जागृति और अपनी गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सारे सत्संगी भाई मिलकर ये शहर के विभिन्न भागों में प्रभात फेरियाँ निकाल रहे हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, मंजू शर्मा जी के आगमन के स्वागत के लिए। और 15 मार्च, अरे जरा आशा जी एक मिनट रुक जाइए, 15 मार्च को क्योंकि जहाँ भी ऐसी कथाओं का आयोजन होता है भव्य पंडाल लगाया जाता है, इसके लिए हमारा कल 15 तारीख को वहाँ भूमि पूजन का प्रोग्राम है। सुबह 9 पहले ऊपर की दो ना पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।